एक्चुअली मैं आया हुआ था नीमराणा, तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे बावड़ी बहुत फेमस है, तो मैं यहाँ पे देखने चला आया। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं 8 मंजिला इमारत की बिल्डिंग है जो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं आपको इसके पीछे का व्यू दिखाता हूँ। इतनी खूबसूरत जगह आप सोच भी नहीं सकते। राजा ने पता नहीं क्या सोचकर बनाया होगा, बट सेफ्टी के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि ये महल पूरी तरह से टूट चुका है, बट फिर भी अभी भी लोगों के घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। अभी रोज यहाँ पे लाखों लोग आते हैं घूमने के लिए। आप इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी सीढ़ियों की, तो इसकी सीढ़ियों की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ से 4th फ्लोर पे खड़ा हूँ और ये इतना भयानक है कि अगर गिर गया तो मेरा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। रिसेंटली 2 दिन पहले भानगढ़ गया हुआ था, मुझे लगा वो विश्व की सबसे खतरनाक हवेलियों में से एक है, लेकिन इसको देखने के बाद कौन कहेगा यार कि भानगढ़ इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। ये अंदर से दिखने में जितना खूबसूरत है ना, उतना खतरनाक है ये। नीमराणा की पुरानी इमारतों में से एक बावड़ी, जो कि यहाँ की शान है, चूँकि ये टूटी पूरी तरह से टूट चुका है, बट ये काफ़ी मोहक है। अभी मैं जिस साइड पे हूँ वो मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा हूँ। आप में से कोई भी इस हाइट पर यहाँ पर चलने की कोशिश ना करे, यह काफ़ी खतरनाक है, टूटने पर आपको चोट लग सकती है। मैं केवल वीडियो बनाने के पर्पज से इस पर जा रहा हूँ।
बावड़ी के उस जगह पे हूँ जहाँ पे शायद कुछ स्पेशली है, यहाँ पे केवल चमगादड़ रहते हैं, पूरी तरह से चमगादड़ों का हिस्सा बना हुआ है ये चीज़। यहाँ से पूरा बावड़ी का पीछे का हिस्सा दिख रहा है जो कि पूरा जमीन में धंसा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ है। और हम इस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे आने में लोग डर रहे थे। मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। सकते हो ना, इस खंडहर को ख़त्म होने के बाद ऊपर कुछ यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं और ये ऐसी कम से कम 60 से ज़्यादा रूम बनी हुई हैं ऊपर के साइड, और नीचे के साइड पे एक भी रूम नहीं बनी जो कि बाहर निकल जाती हैं।